कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही आज लगातार एक्स पर ये पोस्ट कर रहे हैं कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है और उन्हें सामने आकर के इस परिस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस पूरी की पूरी षड्यंत्रकारी है और हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करती रहती है। 2011 की घटना जो गोपालगढ़ की हुई, उसका पूरा प्रदेश और देश भुला नहीं किस प्रकार से सैनी समाज के लोग और अन्य समाज के लोगों पर हमला करके कितने लोगों को घायल किया और कितने लोगों की हत्या की। आज भी तुष्टिकरण की नीति करके सरकार का षड्यंत्र रच रहे हैं और उनको ध्यान रहना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी। ये षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र चलने वाले नहीं हैं, ये कांग्रेस के लोग आतंकवादियों के सहयोगी रहे हैं, आतंकवादियों के सहयोगी हैं। जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे तब सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई, ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी ने कहा। इन्होंने कहा ये कांग्रेस लोग उनसे मिल गए हैं जिन्होंने ये कहा था कि चीन से मिल करके हम धारा 370 वापस कश्मीर में लगवाएंगे। इनके औकात है तो लगवा के देखें, बात करें। भारत में यानी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया तो उसको तोड़ देंगे, उनमें ताकत हो तो बताएं। और ये ध्यान है आपको कि राहुल गांधी भोपालगढ़ में गए थे तो कैसे गए थे, चोरों की तरह गए थे, लुटेरों की तरह गए, चुपके 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 षड्यंत्रकारियों ने जाकर के वहाँ के लोगों में जहर भरा था। हम उन लोगों की हत्याएं, उन लोगों को घायल, जो जिन्होंने घायल किया था हिंदुओं को, उस बात को भूल नहीं सकते और षड्यंत्रकारियों को जवाब देगी। मेरे ऊपर कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया कि मैंने हत्या कर दी उनकी। इसे बड़ा झूठा आदमी क्या हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। गोपालगढ़ और आसपास का बच्चा बच्चा जानता है कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण गोपालगढ़ में एक दंगा हुआ और दंगे में लोगों की जब जाने जा रही थी, प्रशासन को घेर लिया गया था। प्रशासन के कहने पर आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में काम करते थे, वो और उनके साथ हम सब लोग गोपालगढ़ पहुंचे, समझाइश का काम किया, लोगों की जान बचाने का काम किया और माननीय भजनलाल शर्मा जी हिम्मत दिखा करके पूरे समय वहाँ डटे और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आगे बढ़े। अब राहुल गांधी जी अमेरिका में भारत के संबंध में उलझल बयान देते, उन बयानों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब सवाल उठाए तो कांग्रेस तिलमिला रही, तुष्टिकरण को छोड़ नहीं रही कांग्रेस। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहूंगा, राजस्थान के विकास में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के साथ खड़े होकर के अब सकारात्मक रूप अपनाएं, तुष्टिकरण